बूढ़ा डोकरा की लाज शर्म खा खो भी रे घर घर में झोली फैलावे कैसे घर घर में झोली फैलावे या कोने के शर्म नहीं आवे भिखारण को कोई नहीं डांटे और खेता आवे लाज पुत्र को हाथन सुकुन काटे कैसे लुगाई एक पार्वती से बोली लुगाई एक पार्वती से बोली तेरी किसा फूट गई ओली तो कुया तेरा खसम को लालो अरे तेरे मारा धरियो बताना कुण को पूत अठालो या मर जाए तेरो फंद कटेगो दुनिया को सब दुख मिटेगो वेद में लिख रही जगह जगह और कौडी की संगत बैठे निश्चय दो दाग लगे कैसे या को पता करेगी काई या को पता करेगी काई कई को करे बड़े सकड़ाई बावड़ी बुरा बचन मत बोले अरे या ढोला के मारा तू कोई को लाल मराती डोले कैसे खे दो चार लठ दे पाड़ो खे दो चार लठ दे पाड़ो या को बस्ती बार निकालो शिवजी ने गिरजा समझाई अरे तू आगे रस्तो नाप अयोध्या की है बुरी लुगाई भैया पागड़ो तू न्या अशो बंदावे पागड़ो तू न्या अशो बंदावे लार लार मुंह को और पिटावे नारी क्यों करे चोचला कोरा अरे काटक और गणेश अपना घर में ही दो छोरा कैसे अब तू कोई सा को भी शीश काट स्नान करा देने कैसे तेरे तेरो घर में वैद दवाई घर मेरा कोड़ मिटा देने नार क्यों करे चोचला कोरा और कैटक और गणेश अपना घर में ही दो छोरा जय हो कोई सा को भी शीश काट स्नान करा देने अरे तेरा घर में वैद दवाई घर में रकोड मिटा देने भगवान शंकर माँ पार्वती से कहता है रे पार्वती क्यों घर घर में झोली फैलाती डोलती है तेरे घर में तेरे पास तेरे दो बेटे हैं कैटक और गणेश दोनों में से किसी एक का शीश काट कर मुझको स्नान करवा दे मेरी बीमारी मिट जाएगी लेकिन सज्जनों जब माँ पार्वती ने अपने बेटे कार्तिक और गणेश का नाम सुना भगवान शंकर से मुंह मोड़ लिया और देखिए क्या कहती है क्या कहती है भैया नाम सुन कार्तिक और गणेश कैसे नाम सुन कार्तिक और गणेश लगी है